इस साल चुनावी लहरों का रुख किसोर चलने वाला है, ये तो अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन चुनावी दंगल जरूर सजने लगा है। ऐसे में कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, किसके साथ चुनाव लड़ेगा, यही बड़ा सवाल है। इसी के चलते कैबिनेट मंत्री रंजीत सिंह ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो किसी भी कीमत पर कांग्रेस का साथ नहीं थामेंगे। सब कुछ उस वक्त पे डिपेंड करता है, जब काउंटिंग हो रही थी मुझे ये नहीं पता था मुझे भाजपा को समर्थन देना पड़ेगा। कांग्रेस में छोड़ के आया था, स्वाभिमानी आदमी वहाँ जा नहीं सकता था, मेरे सामने रास्ता ही था। लोगों से पूछा, कहने का बीजेपी को सपोर्ट करो, मैंने बीजेपी को समर्थन दे दिया। मेरे उनसे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, बहुत कंफर्टेबली हम आपस में एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। कोई इशू आएगा तब डिस्कस कर लेंगे, पर मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, ये तय। तो वही कांग्रेस की देश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा और हरियाणा में हर घर कांग्रेस कैंपेन को लेकर भी रंजीत सिंह ने तंज कसा। इन बातों से कुछ नहीं है, मीडिया वाले भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कहीं भी नहीं है। घर घर कांग्रेस गुजरात में भी थी, आपका राजस्थान में भी थी, मध्य प्रदेश में भी थी, छत्तीसगढ़, कहीं घर घर तो रही नहीं, सब जगह बंद घर मिले, उन्हें कुछ मिला ही नहीं। पहले भी राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी और अब भारत जोड़ो। देखिए, डेमोक्रेसी में कोई कुछ, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक सेटअप है, 145 करोड़ की आबादी है, किसी को हर अधिकार है कहीं घूमने का, पब्लिक तय करती है। इस वक्त पूरी पार्टी के, पूरे देश के जननायक मोदी जी बने हैं, लोग उनके साथ हैं, पूरी तरह साथ हैं। उधर बिजली मंत्री ने कहा कि हरियाणा में सरकार ने हर घर में बिजली पहुंचाने का काम किया है, किसी को भी कोई परेशानी नहीं होने दी। आप एक समझे कि 8 साल में हरियाणा अकेला राज्य है जिसने 8 साल में कोई टैरिफ नहीं बढ़ाया। हमारे 8 साल पहले जबकि यूक्रेन के वार के बाद डीजल के रेट भी बढ़ गए, कोयले के रेट बढ़ गए, सब बढ़ने के बाद भी हम वो मेंटेन कर रहे हैं। तो उम्मीद की जा सकती है आगे घट सकती है बिजली के रेट? है जी, उम्मीद की जा सकती है घट सकते हैं? नहीं नहीं, अभी जब घटने बढ़ने का होगा तो आप लोगों को बता देंगे, अभी हमने कोई रिव्यू नहीं करा। तो हम ये चाह रहे हैं कि लोगों को पूरे बिजली दी जाए, 24 घंटे दी जाए। पूरे देश में 84% गाँव पे हम जगमग योजना में हम दे रहे हैं बिजली। कभी भी देखिए NCR में आते हैं और उसकी NGT की और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जनरेटर नहीं चले, टोटल हमारे बंद है, उसके बाद भी हम मीट आउट कर रहे हैं। कितनी इंडस्ट्री आ रही है, मैंने आपसे बताया, जो इतना सारा कुछ बिना पावर के, ये थोड़े ही होता है, कितनी चीजें मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। आपको बता दें कि चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही हैं। ऐसे में चुनाव में कौन जीतेगा, किस पर आम लोग विश्वास जताते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। इसका इंतजार हर किसी को है। गुरुग्राम से सूर्य समाचार के लिए नीरज अम्बाप्ता की रिपोर्ट।